इसमें 3 चुटकी आपने मीठा सोडा मिलाना है या आप इसकी जगह पे 3 चम्मच ब्लीच का पाउडर शामिल कर सकते हैं जो ब्लीच के पैकेट के साथ मिलता है। अब इसमें 1 चम्मच आपने शहद का मिलाना है, 1 चम्मच लीमू का रस मिलाना है। यहाँ गलती से मैंने 3 लिख दिया, 3 नहीं 1 चम्मच लीमू का रस मिलाना है और 1 चम्मच ही मैदा मिलाना है आपने। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इस अमेजे को आपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के आधे घंटे के बाद सिंपली आपको आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर देना। इससे ये होगा कि आपका चेहरा अगर बेरौनक है, जिल्द ढिलकी ढिलकी सी है या हल्की फुल्की झुर्रियां हैं तो एकदम से आपका चेहरा शफाफ हो जाएगा, निखर जाएगा और हल्की फुल्की झुर्रियां जो है वो खत्म होकर आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये मास्क आपके लिए ईद के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप इसको लाजमी अप्लाई करेगा, 1 से 2 दिन पहले कर लें, 1 दिन पहले कर लें या ईद वाले दिन कर लें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको फौरी रिजल्ट मिलेगा। अब हम जा रहे हैं अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन वीडियोस के कमेंट्स मैंने अभी तक जो है वो रिप्लाई नहीं किए उसके लिए मैं तमाम फ्रेंड्स से थोड़ी माजरत करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से मैं कमेंट्स को देख नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे कमेंट्स से अवॉइड करिए जिनके सवालों का जवाब मैं वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे ही होते हैं कमेंट्स में जिनके बारे में वीडियो में बताया जा चुका होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके बाद जो है वो आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे दूंगी मैं। अब जा रहे हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें मैं आपको ये कहूंगी कि इंसान जब मुनाफ़िकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। इस बात पर जरूर गौर करिएगा और अमल भी लाजमी करिएगा। अब इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगी और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अपनी सेहत का, खूबसूरती का और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच। तो डेफिनेटली ब्लीच बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लीच क्रीम चाहिए होगी। मैं यहाँ पे ओलिविया ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करूंगी। आपके पास अगर जार है तो आप उसमें से अपनी